सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहा खंडवा। नमस्कार दोस्तों, अकाकू चैनल से मैं निमिष भंसाली। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश त्योहारों का देश है, संस्कृति का देश है, हर दिन त्योहार होता है। और ऐसे त्योहारों में एक बड़ा त्योहार दीपावली का पर्व, जिसका हर किसी को साल भर इंतजार होता है, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे वो कोई अमीर हो, अपने घर को वो सजाता है तरह तरह से। और ऐसे में जब दीपावली पर हम देखते हैं तो सराफा बाजार की रौनक देखते ही बनती है। आज पुष्य नक्षत्र है, लोग अपने घर में सोने की खरीदारी करने के लिए उत्सुक है, अपने घर से निकल रहे हैं और सराफा भी आप देख रहे हैं पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ऐसे में हमारे व्यापारियों का मन कुंठित हो जाता है उस वक्त जब उन्हें पता चलता है कि आज पूरा शहर हमारी दुकान पर आएगा और यहाँ पर बिजली नहीं है। तो बिजली से बड़े परेशान है व्यापारी लोग, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। बिजली नहीं है, पुष्य नक्षत्र है, सब पूरा शहर आने वाला है यहाँ पर, फिर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो एमपीपी को बधाई दूंगा कि उन्होंने लाइट के एडजस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन चुना है त्योहार का, शुभकामनाएं देना चाहिए उनको। तो हम तो व्यापारी हैं, पहले भी सुनते आए, आज भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जी जी जी, एमपीपी को बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा दिन चुना है एमपीपी ने आज के दिन जो पुष्य नक्षत्र है, आप क्या कहना चाहते हैं? सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार पुष्य नक्षत्र आज मनाते हैं और काफी लोग इस समय खरीदारी करने शुभ मुहूर्त के हिसाब से आते हैं। और इस समय लाइट का न रहना बहुत दुविधा वाला काम है, वो भी 4-5 बजे तक आने का बता रहे हैं। उनको क्या आज ही का दिन वो हुआ कि आज ही के दिन लाइट जाना चाहिए? ये गलत तरीका है, आज के दिन तो लाइट रहना ही चाहिए, आज के दिन तो लाइट रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय है सराफा एसोसिएशन के, इनसे बात करते हैं। आज त्योहार का दिन है और बाजार में लाइट नहीं है, हम लोगों की दुकान के साज सज्जा में लाइट की जरूरत पड़ती है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, सारे कांटे बिजली से ही चलते हैं, आधी दुकानों के कांटे जहाँ पर इन्वर्टर नहीं है वो सब बंद हो जाएंगे, वो क्या करेंगे आज के दिन? ये बड़ी मेजर समस्या है, क्योंकि हम जब डिजिटल जमाने में जा रहे हैं और कांटे जो हैं वो इलेक्ट्रिक से चलते हैं तो क्या तोलेंगे? और आप तो जानते हैं सोना तो भाई कण कण में कितना महंगा होता है, आप क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन बिजली को बंद करना, मतलब ये इतना बड़ा त्योहार है दीपावली, जो हिंदुस्तान में सबसे प्रमुख त्योहार है, और इससे सारी चीजें, बिजली तो सराफे की आत्मा है, इससे कांटे बंद हो गए, सारी लाइटिंग बंद हो गई, रकम आदमी देखेगा कैसे बिजली के बिना? तो बिजली तो सराफे की आत्मा है, इसके बिना तो कोई काम होना ही नहीं है, सारा काम अस्त व्यस्त हो गया है, ग्राहक बैठे हैं दुकानों पर और परेशान हो रहे हैं, ग्राहक भी और व्यापारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सराफा जो होता है किसी शहर की शान होता है, और खास तौर पर दीपावली के पर्व पर जब पुष्य नक्षत्र हो उस समय सराफे की बिजली चले जाना, ये एक बड़ा कहने का मतलब ये है कि विभाग को क्या इसकी पूर्व से तैयारी नहीं करना चाहिए थी? इस बारे में सोनी जी इनसे बात करते हैं। बड़ा दुख है इस विषय पे कि आज सनातन धर्म का इतना बड़ा त्योहार हम मनाने जा रहे हैं, और जिसके लिए पूरा समाज आज के दिन पूरे साल भर प्रतीक्षा करता है कि हम दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, और उसकी शुरुआत पुष्य नक्षत्र से होती है। मेरी अभी सांसद महोदय से बात हुई, मैंने शिकायत की उनसे इस बारे में विषय पे, और भी सभी संगठन के सभी लोगों से चर्चा भी करूंगा। और एमपीपी का ये रवैया जो है, ये हर सनातन धर्म के हर त्योहार पे इस तरह का उनका रवैया जो है ये बड़ा निंदनीय है, इस चीज की निंदा की जाना चाहिए, और मैं भी करता हूँ इस विषय को लेके संगठन से और सभी अधिकारियों से मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। ये बहुत ही निंदनीय है कि आज ऐसे त्योहार जिसकी सब इंतजार करते हैं, आज बड़ा त्योहार है, सारे व्यापारियों का पूरा साल भर का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली होता है, ऐसे त्योहार पर भी यदि लाइट बंद की गई तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या कहेंगे भाई? यही कि लाइट तो होना चाहिए साहब आज, और अभी के अभी में तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि बिजली अभी होना चाहिए। अगर संबंधित अधिकारी और विभाग अगर इसको देख रहा है तो आप समझिए ये सनातन धर्म का एक बड़ा त्योहार है, साल भर हर किसी को इंतजार होता है, और सराफे के व्यापारी इस बात से परेशान है कि आज के दिन पुष्य नक्षत्र पे आपने बिजली क्यों काट लिया, पहले से भी इसकी तैयारी कर सकते थे। किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, बधाइयां दे रहे हैं आपको, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको, लेकिन आप भी ध्यान रखिए क्योंकि शहर की शान सराफा होता है। और आप कब तक इस पर कार्रवाई होती है अब ये आप पर निर्भर है। फिलहाल अनूप खुराना जी के साथ मुझे निमिष भंसाली को अकाकू न्यूज चैनल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते
एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा खंडवा।